Hello champions, welcome to Kajalta, the numeric help. Here I am to continue your chapter number 6, triangles. तो इससे पहले हमने basic चीजें, basic proportional theorem, similarity criteria of triangles, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से detail में पढ़ ली है बच्चों, है ना? तो आज हम 6.3 हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो 6.3 को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शन की थ्योरम क्या बोलता है बच्चों कि किसी भी एक ट्रायंगल हम क्या करते हैं, दो साइड से अगर दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं सॉरी दो किसी हाँ दो साइड के अगर मिड पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करते हैं या थर्ड साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है ना। और हमने देखा कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कंडीशंस क्या है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया हमारे पास, डबल ए ट्रिपल ए अगर होता है तो ट्रिपल ए ऑटोमेटिक हो जाता है, हमने प्रूव भी किया था, है ना? तो डबल ए ट्रिपल ए एस एस एंड ट्रिपल एस, ठीक है? तो एस एस के लिए हमको क्या था, दो साइड्स का रेशियो अगर हमको इक्वल और एक एंगल इक्वल मिल जा रहा है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रिपल एस का क्या था कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए तभी वो सिमिलर होगा, और तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना बच्चों। कॉन्ग्रुएंट के अलग कंडीशंस हैं, यहां पे साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ये आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने आपको प्रैक्टिस वर्क दिया था, मैंने फर्स्ट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, है ना? तो फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने दिया था आपको प्रैक्टिस वर्क, होप आपने कर लिया होगा, उसके आगे भी अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है ना? तो पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैलेंज एक्सरसाइज नंबर 6.3 का मैं कौन सा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फिगर गिवन है। ओहो सर कितनी अच्छी बात है, फिगर गिवन है ना? तो फिगर गिवन है आपको, तो इन फिगर क्या बोल रहा है, इन फिगर तो फिगर दिया हुआ है तो फटाक से ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा फिगर है, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर तब तक आपको नहीं मानना है बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, आपको क्या करते हो कि दो पैरेलल लाइन दिख रही है मतलब वो पैरेलल है कि आप सॉल्व करके बैठ जाते हो। डोंट डू दैट, कभी भी ज्योमेट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? बचपन की बात कुछ और थी, अब हम बड़े हो गए हैं, है ना? नेक्स्ट ईयर और बड़े हो जाओगे आप जब 11 में पहुंचोगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए बचपना हो जाएगा जो इस साल पढ़ रहे हो। तो ये दो लाइन के बीच में एक दो लाइन सेंटर से करके दो ट्रायंगल बेसिकली बनाया गया है। ट्रायंगल आपको बोला है इन फिगर गिवन क्या है, लिख देता हूं। गिवन यू हैव ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओसी। अब इसमें सिमिलर आपको बोल दिया है ना कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि एंगल बीओसी की वैल्यू आपको गिवन है, देखो 125°, वो डायग्राम में गिवन है देखो, और दूसरा CBO 70° गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है बीओसी फर्स्ट, सेकंड हमको फाइंड आउट करना है एंगल DCO एंड थर्ड फाइंड आउट करना है OAB, एंगल OAB, है ना? कौन कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो बच्चों, ट्राई करने से हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो ट्राई करें, क्लियर है? तो ट्राई करते रहना चाहिए हमको, हमेशा ट्राई करते रहिए। चलिए ट्राई किया आपने तो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो इसकी सिस्टमेटिक वे से अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हो, जैसे कि आपने गिवन लिखा, फिर फाइंड आउट क्या कर रहे हो वो लिखा, फिर आप सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, फिर लास्ट में आपका आंसर लिखते, तो आपको जो स्टेप मार्किंग होती है बच्चों को बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम स्पेशली। ओके,
तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है? हाँ सॉल्यूशन हमको करना है, कैसे करना है? चलिए आप ध्यान से देखो कि एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि DOB एक क्या बना रहा है? स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो एंगल DOB में दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? एंगल DOC प्लस एंगल COB है ना, या BOC लिख सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम DOB के बराबर है। अब आपको देखो क्या गिवन है, COB की वैल्यू गिवन है और DOC हमको फाइंड आउट करना है। तो एंगल DOC ऐसे भी जरा तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 125। लीनियर पेयर बच्चों बचपन में आप लोग सॉल्व करके आए हैं। तो 180 डिग्री तो एंगल DOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 125 करेंगे कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है DCO, मतलब ये वाला है। तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCO, इन ट्रायंगल DCO बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के होता है। मतलब एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एंगल DOC की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया अभी 55 डिग्री, ODC की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, OCD की वैल्यू फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 और 55 कितना होता है? 125। अगेन आपको OCD की वैल्यू भी कितनी आ गई? 55 डिग्री आ गई। ये 125 उधर जाके माइनस होगा, सेम आ जाएगा 55 डिग्री है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है OAB। अब OAB जो है, OAB जो है तो ध्यान से देखिए किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ OCD के इक्वल होगा। ये कैसे होगा सर? अब यहां पे आप वो नहीं लगा सकते, अल्टरनेटिव लाइन से लगा सकते, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा नहीं बोला गया है। मैं आपको क्वेश्चन लिखते समय एक्सप्लेन किया था कि कभी भी जब तक गिवन ना हो आप अपने मन से ज्योमेट्री में कुछ भी असम्पशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो आपको एक चीज गिवन है बच्चों, सिमिलर, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर है। तो जब भी कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होते हैं? जब एक उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, या जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना। तो जब यहाँ पे दो ट्राइंगल इक्वल हो गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखो, तो इसको जब आप रोटेट करोगे, ऐसा रोटेट करोगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है। यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, बिकॉज एंगल, सॉरी ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी। बस एस प्रूव्ड, क्लियर है? बहुत इजी था। इसको जब मैं रोटेट करूंगा, मैंने रोटेट करना सिखाया था, रोटेट ओवरलैप करने के लिए रोटेट करना पड़ता है। तो सिमिलर है, तो सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेप सेम होना चाहिए सिमिलर की कंडीशन में। तो इसको आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, नीचे वाले को इसे उठा के ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। तो बी वाला डी को ओवरलैप करेगा और ए वाला किसको ओवरलैप करेगा? सी को। इसलिए ए जो है वो सी की इक्वल है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसमें आपको? ओहो सो सॉरी, आपको इसमें डायग्राम नहीं बनानी है बच्चों। तो डायग्राम गिवन नहीं है तो आप बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? आपको एक एबीसीडी ट्रेपेजियम बनाने को लाए, फटाक से बना लो है ना। कितना इजी है ट्रेपेजियम बनाना, जिसमें बोल दिया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, बोल दिया है उसने। उसके बाद बोल दिया कि इंटरसेक्ट, उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स ड्रॉ कर दो। ये डायगोनल्स को ड्रॉ कर दीजिए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पे, इस पॉइंट को दे दो इंटरसेक्शन पॉइंट को O। Using a similarity criteria for two triangles, show that. तो आपको similarity criteria use करके आपको क्या prove करना है? You have to prove, you have to prove what? OA upon OC, OA upon OC is equal to OB upon OD, OB upon OD. ये हम तो prove करते हैं, ठीक है?
गिवन क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस। तो आपको इस ट्रेपेजियम में OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूफ करना है ना। तो OA देखो इस ट्रायंगल साइड है और OB इस ट्रायंगल, तो आप ध्यान से देखो जो आपको प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल लेना है यहां पे। तो अगर हम ट्रायंगल AOB और COD लेते हैं तो यही कवर होगा। तो यहां पे आप इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड एंगल ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल सी ओ डी। यहां पर हमने देखो एंगल 1 2 और 3 और 4 एज्यूम करके रखा है ना फिगर में, 1 2 3 एंड 4 एज्यूम करके रखा है। तो ट्रायंगल एओबी, एओबी का एंगल 1 एंड 2 और ट्रायंगल सीओडी का 3 और 4। तो ध्यान से देखो बिकॉज एबी इज पैरेलल टू सीडी देयरफॉर एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ये कैसा हो जाएगा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस टाइम आपको इस क्वेश्चन में एबी इज पैरेलल टू सीडी गिवन था, तो जब भी पैरेलल कंडीशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, गिवन होना चाहिए वो कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी बाय डबल ए क्राइटेरिया। अब डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गया, तो एक बार जब भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाए तो उसके करस्पोंडिंग एंगल्स और करस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, है ना। तो मैं यहां पे लगा देता हूं हेंस, हेंस। तो ध्यान से देखिए हेंस में हमको क्या लिख लिया है, हेंस ओए, OA के करस्पोंडिंग कौन है, OA के करस्पोंडिंग कौन है OC, तो OA अपॉन OC, और OB के करस्पोंडिंग कौन है OD। जब भी आपको ट्रायंगल से ऊपर नीचे लिखा होगा तो आप याद रखो अपोजिट साइड से अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि उसको आप टर्न करोगे तो देखो OC को ओवरलैप करेगा, जब आप इसको AOB को टर्न करते हो क्योंकि COD बाहर ट्रायंगल है, तो सी और ए को टर्न कर दो तो सी जो है किसको ओवरलैप कर देगा ए को, और बी किसको ओवरलैप कर देगा डी को, तो इसीलिए हम ये लिखते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है, हेंस रूट एच बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं डायग्राम गिवन है बच्चों, चलो फिगर गिवन है, इन फिगर बोल दिया है तो फटाफट से मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। फिगर जहां गिवन होता है बच्चों का मन गदगद हो जाता है ना, ये टी, ये क्यू, ये आर, यहां से एक और लाइन यहां पे ड्रॉ की गई है जिसको दे दिया है एस, यहां से इसको ज्वाइन किया गया है और उस पॉइंट को दे दिया है पी, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। गिवन क्या है, गिवन गिवन बोल दिया है कि साइड्स का रेशियो इक्वल है, जैसे क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू टी अपॉन पी आर, ये आपको इक्वल है गिवन में, और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल गिवन है, ये दो चीजें गिवन है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ बेसिकली आपको इस चैप्टर में प्रूफ वाले क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन तो बहुत ही कम पूछेंगे, रेयर, बेसिक में पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड में तो आपको मान लीजिए प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछेंगे। तो पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एस, टी क्यू आर, इन दोनों को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स प्रूफ, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए बच्चे, यू हैव ट्राई, मस्ट ट्राई, ओके, चलिए ट्राई कीजिए, टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना है, चलिए कर लिया आप लोगों ने, मैं मानता हूं कि आप वीडियो को पॉज करके ईमानदार से मेरे साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ते चलेंगे बच्चों, दोबारा आपको उस पर स्टडी करने की जरूरत नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल दूं कि वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। चलिए जो किए अच्छी बात है, जो नहीं किए भी अच्छी बात है। देखिए अब दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको या तो डबल ए मिल जाना चाहिए और या तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, एस एस, ट्रिपल एस, ये सब क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया को यूज करके बेसिकली हमको सब सॉल्व करना है ना इस चैप्टर में। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
सबसे पहले आप ध्यान से देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर दो ऑपोजिट एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो गया? PR। ठीक है, ये हमने पहले प्रूव कर लिया। हमको पता है ना, 9th क्लास में पढ़ गया है बचपन में कि एक ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे और वाइस वर्सा भी हुआ करता था। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हम बेसिकली ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन आप लिख सकते हो बिकॉज टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसे करके आप रीजन लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ऑपोजिट इक्वल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए, ये हमको हो गया। अब इसको क्या करने की जरूरत थी सर? बिल्कुल करने की जरूरत है। तो आपको कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, ले लो PQS, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। अब इसमें क्राइटेरिया लगाना है हमको, तो ध्यान से देखो, आपको TQR PQS तो एंगल 1 जो है एंगल P, देखो यहां पे क्या मिल रहा है, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल 1, है ना? तो ये एक चीज मिल गई हमको, एक एंगल मिल गया। ठीक है, दूसरा आपको क्या गिवन है बच्चों, जो गिवन है उसी को यूज कर रहा हूं। पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में ही है, QS अपॉन QR इज इक्वल टू QT अपॉन PR गिवन है। तो इस PR को मैं लिख सकता हूं क्या? PQ, क्योंकि हमने यहां पे प्रूफ किया है। यहां पे लिख सकते हो एज प्रूव्ड अबव, PR की जगह पे हमने क्या लिख दिया? PQ लिख दिया। अब बस, अब देखो ये एंगल इक्वल हो गया। दूसरा देखो, QR अपॉन QS करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, PQS का साइड क्या है? PS, QS और TQR का साइड कौन सा है? QR। तो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ या QP लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो को इक्वल मिल गया, दो साइड्स का रेशियो मिल गया, और दो साइड्स का निकालना है या तो तीन साइड्स या तो दो साइड्स का एक एंगल होना चाहिए, ऐसे ऐसे पे ट्रिपल एस, तो दो साइड्स का रेशियो मिला हमको, एक एंगल भी चाहिए, एक एंगल मिल गया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बाय एसएस क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पीक्यूएस सिमिलर टू ट्राइंगल टीक्यूआर। नहीं समझ में आया बच्चों तो इसको रिवाइंड करके देखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है यहां पे, फिर से मैं बता देता हूं कि यहां पे हमको ये तो समझ में आ रही है कॉमन एंगल है ना दोनों ट्राइंगल, उसके बाद ये जो गिवन था इसको पीआर के केस पे हम लिख सकते थे पीक्यू। उसके बाद ध्यान से देखो, हमको एक ट्राइंगल बोला था पीक्यूएस, तो पीक्यूएस का साइड कौन सा है? क्यूएस है, और टीक्यूआर का साइड कौन सा है? क्यूआर। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, है ना? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब क्यूआर अपॉन क्यूएस, और वैसे ही आप क्यूटी अपॉन पीक्यू होना चाहिए था, तो पीक्यू या क्यूपी, तो वो हमको मिल गया बस, एंड प्रूफ। तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर फटाफट से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस एंड पी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पे देखो गिवन दिया फिगर, तो आप बना लो बच्चों कितना टाइम लगता है। पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर बोल रहे हैं, जिसमें एस एंड टी जो है आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। पी आर में एस है और क्यू आर में क्या है? टी। तो QR में यहाँ पे T ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद आपको बोल रहे हैं ट्राइंगल PQR सच दैट एंगल P, इन दोनों का क्या कर दो? जॉइन। क्योंकि आपको देखो गिवन में क्या है, ये भी बहुत इजी बच्चों, क्वेश्चन के सॉल्यूशन, क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन दे दिया। गिवन में क्या दे दिया आपको? एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, है ना? RTS, ठीक है। और प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ क्या? एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, है ना? तभी हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि वो ट्राइंगल हमको बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए बोल ही रहा है ना, सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो लेट्स प्रूफ, बहुत इजी है। जिसको प्रूफ करना है उन्हीं ट्राइंगल्स को ले लो आप,
एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या इक्वल मिल रहा है आपको, तो एक चीज इक्वल मिली हुई है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है ना, गिवन है। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बोल रहा है, गिवन बोल दिया है तो हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको दूसरा कौन सा होगा, देखो कॉमन एंगल मिल रहा है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, बस हो गया इज प्रूव्ड बाय डबल क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, हेल्प प्रूव्ड। कितना इजी था बच्चों, इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इन फिगर बोल दिया है, ओहो अब आपको फिगर गिवन है इन फिगर, तो चलिए फटाफट से मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ए बी में पॉइंट है डी और ए सी में पॉइंट है ई, इन दोनों को इसने ज्वाइंट कर दिया है और ज्वाइंट करने के बाद इसको इससे ज्वाइंट कर दिया है, इसको इससे ज्वाइंट कर दिया है, ठीक। इन ट्राइंगल आपको बोला है, गिवन है आपको, क्या गिवन है, अब मैं गिवन करने के लिए आप समझ गए पैटर्न क्या है, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। इफ ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी ई की ए बी सी, ए सी डी, ए बी ई, अच्छा ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ए सी डी ट्राइंगल, ए सी डी, ए सी डी ये वाला ट्राइंगल, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए डी ई, ए डी ई जो है वो सिमिलर है इसके ए बी सी के। लॉजिकली अगर देखा जाए तो ए डी ई ए बी सी के सिमिलर दिख रहा है, क्योंकि ए बी सी ए डी को क्या कर चुका है, ओवरलैप कर सकता है आराम से, लॉजिकली अगर देखिए, तो सिमिलर तो हमारे दिमाग में है भैया, ये सिमिलर है बस, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, मैथमेटिकली प्रूफ करना जरूरी है ना। तो आपको देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल चुका है, तो जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है बच्चों तो बहुत सारी चीजें क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, क्या हो जाता है, सबसे पहले मैं लिख सकता हूं क्या, ए डी सी में आपको दिख रहा है ए सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए बी, ए बी ई में ए बी और ए डी सी से ए सी, ठीक है, बायसिमिलरिटी लिख सकते हो, और क्या इक्वल लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो सी डी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू ए ई लिख सकते हो, ये दोनों आप लिख सकते हो बायसिमिलरिटी, जितनी की जरूरत है उतनी ले लेंगे, वो तो तीसरा साइड भी इक्वल होगा, इतनी दोनों की जरूरत है अगर आप ध्यान से देखो, है ना, प्रूफ करने के लिए। तो बायसिमिलरिटी हमको क्या मिल गया, ए सी मिल गया ए बी के और ए डी मिल गया ए ई, ठीक है। अब चलिए कॉन्ग्रुएंट किसको सिमिलर किसको प्रूव करना है, तो उसको लिख देता हूं मैं, एंड ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो इन दोनों में देखो हमको क्या मिला है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल मिला है, मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, अगर मैं कर देता हूं तो इज इक्वल क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 मिलेगा, मतलब 1 के इक्वल मिलेगा, यस और नो, यस और नो बच्चों, यस सर, वेरी गुड। अब इसको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं, ए बी अपॉन ए डी लिख सकता हूं और इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या लिख सकता हूं ए ई, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, दो साइड्स का रेशियो ले लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, हेंस क्या हो जाएगा बाय डब एस एस नॉट डबल एस एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, अगेन यही कहानी, इसकी जो कहानी है सेम कहानी यहां पे भी लगाया हमने। चलिए नहीं समझ में आया रिमाइंड करिए, वीडियो को बार बार रिवर्स करिए तो आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, बार बार देखो उस क्वेश्चन को, बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर तो गिवन है पर उसको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो फटाफट से मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। ये हमारा डायग्राम है बेसिकली, कौन सा, ए बी एंड सी, फिर ए से एक पर्टिकुलर लाइन ले गई है यहाँ पे ए डी, है ना, ए डी ए डी,
और ये पी, और यहां से सी से इंटरपेंडिकुलर लाइन गई कहां पे, ए बी पे, तो इसको पॉइंट दे दिया है पी, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये पी, ठीक है। अब आपको वो प्रूफ करना है, बस सिमिलर प्रूफ करते जाना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, सिमिलर प्रूफ करते जाना है। चलिए फर्स्ट आप लोग बताएंगे मुझे फटाफट से, कमेंट करके बताएंगे, फर्स्ट आपको सिमिलर प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी पी। अब जिसको एक सिमिलर प्रूफ करना है तो उन्हीं ट्राइंगल को लेते हैं, तो यहां पे मैं वो सब नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं। ए ई पी देखो, ए ई पी तो एंगल ए ई पी ले सकते हैं, और दूसरा सी डी पी, सी डी पी ये वाला एंगल, तो एंगल सी डी पी ले लो ईच 90 डिग्री, तो एक एंगल तो इक्वल मिल गया। दूसरा एंगल, दूसरा एंगल कौन सा, हाँ एंगल सी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी ई, कहां से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बस कॉमन प्रूफ हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया, बाय डबल ए इज सिमिलर, क्लियर है। ट्राइंगल ए बी डी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, डराने के लिए आपको इतने सारे क्वेश्चन दे दिया। ट्राइंगल सी बी ई, सी बी ई इनके चार पार्ट है टोटल, चारों में आपको डबल ही लगेगा, देखना ध्यान से देखो, ए बी डी, ए बी डी है ना, तो क्लियर दिख रहा है कि ए डी बी, डी पॉइंट को 90 डिग्री बना रहा है, और दूसरा सी बी ई मतलब एंगल सी ई बी ईच 90 डिग्री, एक एंगल तो इक्वल मिल गया। दूसरा एंगल, दूसरा एंगल देखो, इन दोनों में देखो यहाँ पे देखा कौन लेटर कौन सा कॉमन है, तो इन दोनों में लेटर है कौन सा बी, इसमें देखो पी कॉमन था तो एंगल बी कॉमन एंगल हो गया, सॉरी वो तो वर्टिकल ऑपोजिट से एंगल, यहाँ पे देखो कॉमन दिख रहा है बी और बी, सी बी ई और ए बी डी दोनों में कॉमन मिल रहा है, ए बी डी इज इक्वल टू सी बी ई कॉमन, फिर से क्या लग गया डबल क्राइटेरिया। थर्ड ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी पी, ए डी पी बी ए पी, हाँ चल, तो सबसे पहले देखो ए ई पी, ए ई पी तो एंगल ए ई पी ले लो 90 डिग्री, ए डी पी बोला, ए डी बी भी बोला, ए डी एंगल ए डी बी ईच 90 डिग्री, कितना इजी। उसके बाद आपको ट्राइंगल, अब एक और एंगल ले लो, कौन सा, देखो दोनों में कॉमन है, इस बार कॉमन है आपका ए, तो एंगल पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी कॉमन है ना, कॉमन को मैं शॉर्ट में ले रहा हूं सी, ठीक है, क्लियर है, समझ में है, तो फिर से डबल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गया, इजी है। पीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, सिमिलर टू ट्राइंगल बीईसी, चलिए इसमें सबसे पहले देखो पीडीसी, पीडीसी तो एंगल पीडीसी है ना, और दूसरा बीईसी तो एंगल बीईसी ईच 90 डिग्री मिल गया, इजी है बच्चों बहुत इजी। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, उसके बाद एक और आपको एंगल चाहिए, तो कौन सा एंगल, देखो कॉमन हुआ क्या है सी है, तो लिख दो पी सी डी इज इक्वल टू बी सी ई कॉमन एंगल, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ बच्चों। चलिए तो आज की क्लास में देखो कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं है ना, तो एक और क्वेश्चन हो सकता है, हमारे पास स्पेस है तो हम कर लेते हैं, अगर छोटा होगा तो दो क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉल्यूशन अगर छोटा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, फिर से डायग्राम गिवन है तो डायग्राम आप बना सकते हो, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड, चलो प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो आपको सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किए किसको, प्रोड्यूसर की बात कर रहा है एडी को, तो ए बी सी और डी, एडी को प्रोड्यूस कर रहा है मतलब आगे बढ़ाना है आपको, ऐसे आगे बढ़ना है ठीक है। एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, तो ये ई पॉइंट है, अब बी बोल रहा है मतलब इसको बी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, बी इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सी डी को, किस पे, एफ पे, ये बोल रहा है कहानी हम
आपको प्रूफ करना है टू प्रूफ। अब देखो गिवन आपको बहुत सारी चीजें गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, दूसरा बी सी इज पैरेलल टू ए डी, एक पैरेलोग्राम में बहुत सारी चीजें इक्वल होती है, तो सब लिखने की जरूरत नहीं है गिवन में, आप लिख लो, लिखना एग्जाम में लिखना, मार्क्स में लिखना, स्टेप मार्किंग में लिखना है ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, आपको प्रूफ क्या करना है वो लिखता हूँ। वी हैव टू प्रूफ ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी, है ना, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया हमारे पास बहुत सारा है, तो ए बी ई, ए बी ई कौन सा नंबर है, ए बी ई ये वाला है, और सी एफ बी, सी एफ बी, तो ध्यान से देखो एंगल ए जो है इक्वल हो जाएगा एंगल सी से, आप कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, मैं नहीं लिख रहा हूं आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, तो एंगल ए जो है एंगल सी कहां से, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो गया, वो अगर आप गिवन में लिखे होते तो ब्रैकेट में सिर्फ गिवन लिख लेते, ठीक है, इसलिए मैंने बोला गिवन में आप सारी चीजें पहले लिख लेना, उसकी स्टेप मार्किंग मिलेगी। दूसरा एक एंगल तो मिल गया, या तो दो साइड या तो एक और एंगल मिल जाए तो हमारा काम हो जाए सिमिलर प्रूफ करने के लिए। देखो ऑपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं ना, और वो साइड्स इक्वल होते हैं, अच्छा तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके क्या करेंगे तुम, क्या कर सकते हैं बताइए, वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया है ना, वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया बच्चों, ट्राई किया कि नहीं किया, तो एक और चीज अगर हमको मिल जाए तो हम यहाँ पे इसको, अगर एक एंगल मिल जाए या दो साइड मिल जाए ना, दो साइड्स का रेशियो, तो साइड्स का रेशियो मिलना तो बच्चों थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ट्रायंगल पैरेललोग्राम में देखो आपको एक और एंगल मिल जा रहा है, कैसे ए बी, अच्छा इसको आप कैसे लिखोगे, ई ए, ई ए बी लिखोगे, ठीक है, और इसको एंगल एफ सी बी, ठीक है, वैसे ही आप देखो तो ए बी, ए बी ई इज इक्वल टू बी एफ सी बाय ए आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, वो तो आप लिख चुके हो गिवन में, तो दो साइड पैरेलल है उसके बीच के एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं बाय इंटीरियर एंगल से, तो हेंस तो देयरफॉर बाय क्या हो जाएगा, डबल एज क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, क्लियर, चलिए स्पेस बचा है कर लेगा क्वेश्चन नंबर 9 भी कि आपको कर लोगे, चलो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक का आपका प्रैक्टिस भाग है, तो यू हैव टू डू एट होम बाय योरसेल्फ, अगर कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, मजा आया कि नहीं आया वो जरूर बताना, और प्रैक्टिस करते रहना बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।